फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। देश के अंदर 35 व्यापारी रोज आत्महत्या करते हैं, मतलब टोटल जो सुसाइड्स हैं उसके अंदर प्रतिदिन 35 व्यापारी गण आत्महत्या करते हैं। इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हो सकता है हम अपने व्यापार जगत के किसी आत्महत्या को रोकने में कामयाब हो जाएं। साथियों, व्यापारी अपने आप के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि वो कई लोगों को काम धंधे भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है, सरकार को टैक्स भी दे रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि उसको सुसाइड क्लेम करना पड़ता है। और इन चर्चाओं पे भी अपन बात करेंगे कि अगर हम कारण मोटा मोटा देखें, व्यापारी को सबसे ज़्यादा टेंशन अपने नुकसान को लेकर होती है कि अगर उसको नुकसान हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है, गलती से नुकसान, एक व्यापार में नुकसान होते होते उसने कोई छोटा मोटा दूसरा काम स्टार्ट कर लिया, उसमें डबल नुकसान हो जाता है। जब ये नुकसान लगातार वो कैलकुलेट करता रहता है तो फिर उसको समझ में ये आता है कि मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाली है मेरे घाटे की वजह से, और मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा, तो वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे में उसको केवल एक ऐसा चिंतक चाहिए जो उसको बता सके कि जीवन से बड़ा कोई नुकसान नहीं है, चाहे जेल भी हो जाए तो भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि आदमी को आत्महत्या करनी पड़े। फिर उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी को सरकारी मशीनरियां कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही होती है कि कहीं कोई फूड इंस्पेक्टर, कहीं पता है कि व्यापार में घाटा चल रहा है, कमाई नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने अपना स्टेटस बना लिया तो ये मांगने वाले, रिश्वतखोर, रंगदारी वाले, ये कई लोग व्यापारी के पीछे पड़े होते हैं। देने के लिए उसके पास जब कुछ भी नहीं होता तो आखिर में वो सुसाइड क्लेम करता है। सुसाइड अपने आप के अंदर बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि उससे पूरा परिवार भी सड़क पर आएगा और आसपास के लोग भी आएंगे, और जितने भी दोस्त हैं वो तो लगभग बेसहारा हो जाते हैं कि कैसे चला गया। मैं आपको एक केस बताऊं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हुआ कि व्यक्ति अपना धीरे धीरे व्यापार बढ़ा रहा था, किराना जनरल स्टोर भी था, फिर उसमें से कुछ पूंजी बचा के वो ब्याज के ऊपर चलाना स्टार्ट किया, ब्याज से भी कुछ टंकी इनकम आने लग गई, तो फिर मकान और गाड़ियाँ सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा ऐश के साथ में ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन कोरोना काल आ गया। कोरोना के आते ही जिनके माध्यम से पैसे लगाए हुए थे वो तो उसको वापस नहीं लौटा रहे। उसने ब्याज के लालच में आके बैंकिंग से, मतलब अलग अलग बैंकों से मकान के नाम पे, दुकान के को रहन रख के सबसे पैसे ले लिए, ताकि वो 9% के पैसे को 24% में, 36% में दे सके। ये लालच किसने किया? केवल व्यापारी ने नहीं किया, व्यापारी का परिवार भी उसमें उतना ही दोषी है कि जो लगातार मांग करता रहता है कि हमें नया मकान चाहिए, नई गाड़ियां चाहिए, हर बच्चे को चाहिए, उनका व्यापार सेटअप कर रहो, इन सारी उठा पटक के अंदर वो व्यापारी लगातार पैसा इधर से लेके उधर चलता रहा। देने का तो मजबूरी होती है इंसान की, लेकिन आएंगे तो लिया जाएगा। अगर बैंकिंग सिस्टम से पैसा लिया है तो नीलाम करके भी आपसे पैसा वसूल कर लेंगे। अब ऐसे में ये आत्महत्या है तो उस आत्महत्या के अंदर दोषी कौन है? सारा परिवार, तमाम लोग? उसका लालच तो है ही, मतलब जो आदमी लालच करता है कि और कमा लूँ, और कमा लूँ, और कमा लूँ, और फिर ये बड़ा आदमी बन जाऊँगा या स्टेटस बढ़ा लूँगा। ध्यान रखना, व्यापारी को अपना स्टेटस हमेशा मारवाड़ी की तरह रखना चाहिए। जिस तरह से आदमी के फटे कपड़ों से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी जेब के अंदर कितने पैसे हैं, पुराने ज़माने के जितने भी बड़े व्यापारी होते थे वो ऐसा नहीं है कि वो मर्सिडीज गाड़ियों में चलते थे, लेकिन जब चाहते जब नया उद्योग, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते। आज का समय थोड़ा सा विपरीत हो गया। आज थोड़ा सा पैसा आते ही ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड चैन, ब्रांडेड घड़ी और ब्रांडेड गाड़ियाँ, और दूसरों को स्टेटस दिखाना, और बोलते हो रहे हैं कि जो दिखेगा वही बिकेगा। आप क्या हो, आपके दोस्तों को इससे कोई मतलब नहीं, आप उनके साथ बैठ रहे उठ रहे हो, बस इतना ही बहुत है। आपके जितने भी परिचित बने हैं
वो परिचितों की आप पूंजी हैं, जबकि आप उनके वो अपना स्टेटस दिखा के प्रभावित करना चाहते हो। कई बार कुछ लोग जरूर फर्जी टाइप के होते हैं जो आपको नई गाड़ी तक पहुँचा के आते हैं और गाड़ी के अंदर से पूछते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी कब ली। आधे से ज़्यादा या 80% लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके बंगला है या मकान है, उसका इंटीरियर कैसा हो रखा है, उसमें विदेशियों को सामान मंगवाया कि नहीं मंगवाया। जब भी मध्यम वर्गीय व्यापारी या छोटा व्यापारी स्टेटस के पीछे भागने लगता है तो उससे नीचे आने में बहुत जोर आता है, आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी वजह से मेरा परिवार भी सड़क पे आ गया। सड़क क्या होती है? जीरो से शुरुआत करना बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा आपने? सत्ता में आके और बिल्कुल मतलब दहाई के अंक के अंदर उनके सांसद रह गए, तब वहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था बीजेपी को राख में से खड़ा होना आता है, तो मेरे व्यापारी को राख में से खड़ा होना क्यों नहीं आ सकता? आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का रखें, सहज रहें, सरल रहें, अपना स्टेटस किसी के सामने शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो आप अपना स्टेटस कम नहीं कर सकते, दूसरा जिसको आप अपना स्टेटस बता रहे हो उसके अंदर भी प्रतिस्पर्धा की भावनाएं आती है कि मैं भी ऐसा करूं, मतलब खुद तो आप उजड़ ही रहे हैं दूसरे को और उजाड़ रहे हैं। तो अपने अपने स्टेटस को अपने साथ रखें, अपने अंदर रखें। दिखाने की चीज़ें आपका व्यवहार, आपकी ज्वेलरी, आपकी गाड़ियाँ, आपका बंगला, आपका इंटीरियर, ये दिखाने की चीज़ नहीं है। दिखाने की चीज़ है आपका व्यवहार, आप कितने मिलनसार हैं, कितने अच्छी चर्चा करते हैं या कितना अच्छा सॉल्यूशन देते हैं। अगर मेरे देश में कमाने खाने वाला व्यापारी जो कई लोगों को रोज़गार देता है, सरकार को टैक्स देता है, उसमें से रोज 35 आदमी मर जाएंगे, बहुत बड़ा आंकड़ा है कि साल के अंदर ये हजारों के अंदर पहुंचता है। और चूंकि हम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए हैं तो हमें इस बात पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहां भी किसी व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे सरकार की पॉलिसी की वजह से या कोई दूसरे सरकमस्टांसेज, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, लेकिन ऐसे में ग्रुप में जरूर रहना चाहिए, व्यापारी संगठनों के साथ में जरूर रहना चाहिए, उनके बीच के अंदर बातचीत भी करनी चाहिए। बात करने से बदनामी नहीं होती, सॉल्यूशन मिलते हैं। एक व्यापारी की आत्महत्या के पीछे कम से कम 100 लोग खराब होते हैं, उसका परिवार, चाहे वो खुद उसका खुद का परिवार, चाहे उसके वाइफ का परिवार या उसके बच्चों के परिवार, बस आपकी जगह जैसे ही ख़त्म हुई वो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं सारे, फिर आपके कर्मचारी, कर्मचारियों के परिवार। ऐसे में जब भी आपके व्यापार में, आपके घर में कहीं भी कोई संकट आए तो कम से कम जिंदगी में एक दो दोस्त तो ऐसे बना लो जो आपकी पीड़ा को, आपकी कमजोरी ना समझें बल्कि उचित समय पे उचित आपको निदान दें। हम समूह में रहेंगे, अंगूर गुच्छे में रहता है तो ही कीमत है, अगर एक अंगूर को हमने साइड में निकाल दिया तो समझ जाइए उसकी कोई कीमत नहीं है और वो कब कुचला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में हमेशा ग्रुप में रहें, साथ रहें, जीवन में 50 हजारों लोगों की भीड़ में रहें लेकिन एक दो दोस्त तो ऐसे बना लें जिनके साथ में आप कुछ भी बात करेंगे तो वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा। अगर आपने अपने पूरी जीवन के अंदर दो दोस्त भी नहीं बनाए ऐसे तो फिर जीवन सारा बेकार है। लेकिन अभी इस वीडियो के माध्यम से आखिरी सीख यही है कि मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। जो मैं ये बता रहा हूँ ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही के अंदर आए हुए आंकड़े हैं, संख्या इसमें ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई बार आत्महत्याएं रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन ये सरकार और पुलिस के पास में जो रिपोर्ट्स हुई है उसमें 35 व्यापारी का रोज मरना हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है। आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला है और यदि आपको लगता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति नुकसान में चल रहा है उसको वीडियो ज़रूर भेज दें, हम सभी उसके साथ में हैं तन मन धन से। अगर बहुत ज़्यादा भी बदनामी हो रही है तो भी हम उनके साथ में, लेकिन इंसान जाना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।